वेलकम बैक टू माय चैनल ईटी सी माइंड में आपका स्वागत है। सो मैं आज लेके आया हूँ दो ये एलईडी लाइट्स। ये मंगाया मैंने अमेजन से और ये मंगाया मैंने टेक्नो खान के स्टोर से। ये मुझे पड़ा है 470 का और ये मुझे किराए कि 550 का। लेकिन इनमें दो एक डिफरेंस है कि ये क्रॉस पिन है, दिख रहा है आपको, और ये स्ट्रेट पिन है। तो मुझे पता था कि इसमें स्ट्रेट पिन लगता है, फिर भी मैंने दो अलग अलग स्टोर से ऑर्डर किया था चेक करने के लिए कि कौन सी बेटर क्वालिटी है। तो ये तो फिट हो गया लेकिन ये फिट नहीं हो रहा और ऊपर से ये डैमेज पीस भी निकला है। और फिर मैंने ये ख़रीदा क्यों, क्योंकि जो स्टोर पे आपको साइड में विंडो में दिख जाएगा कि स्टोर पे मैंने देखा था कि ये स्ट्रेट पिन है और उस पर लिखा था कि 180 डिग्री पे इसके जो पिन्स है वो है, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिए। लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी निकला, ये कुछ काम का नहीं है, ये अभी दूसरी गाड़ी में लगाना पड़ेगा। लेकिन क्यों लगाए भाई, क्योंकि ऑलरेडी सब में लगे हुए लाइट्स, तो ये मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न पॉलिसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिटर्न मैंने मेल किया है अभी, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन नहीं आया क्योंकि मैंने कल रात को किया था मेल और देखा मैंने चेक करके तो नहीं आया कुछ। ये अच्छे लाइट से और मेरी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, पिछले वीडियो में आपने सब देखा होगा। तो ऐसा हुआ है तो मैं V6 लेने वाला था टेक्नो खान के स्टोर से, V6 का इंटरकॉम, लेकिन जब तक कि ये सब पेटर सॉल्व नहीं हो जाता मेरे लाइट्स का, ये क्योंकि ये 500 रुपये की चीज़ है ठीक है, लेकिन 7-8 हज़ार की अगर चीज़ ले ली हमने और वो रिटर्न नहीं हुआ तो वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। इसकी वजह से मैं रुक गया हूँ, नहीं तो फिर मुझे अमेजोन से लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। सो देखते हैं अभी क्या होता है अभी रिटर्न का। लेकिन ये लाइट अच्छा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।